हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही प्यारा सा ब्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, क्योंकि आज है हरतालिका तीज और इसी की स्पेशल ओकेजन पर मैं आप लोगों के साथ बहुत ही प्यारा सा ब्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। आप मेरी मेहंदी देख सकते हो, मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से मेहंदी अप्लाई की है। मैंने चूड़ियां भी पहन ली है, आप देख सकते हैं रंग बिरंगी। अब मैं जा रही हूँ रेडी होने, तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ, लेट्स गो। और हाँ, आज के वीडियो में मेरा फेस बहुत ही ज्यादा सूखा लगेगा। आज मेरे लिए व्रत है, तो मैं बहुत सारी बातें भी नहीं कर पाऊंगी, तो क्योंकि एनर्जी को सेव करके रखना है, क्योंकि अभी पूरा का पूरा दिन बाकी है और पूरी की पूरी रात बाकी है, तो पूरे दिन और पूरे रात निर्जला व्रत करना है, तो इसलिए बातें आज मैं बहुत ही कम करूंगी आप लोगों के साथ। तो आइए आप लोगों को दिखाती हूँ आगे का। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को अपनी साड़ी भी दिखा देती हूँ, अपनी जो पहले से देख रखी है हो गई है। मेरी जो साड़ी है, ये साड़ी तो मेरे पास है, पर इसकी जो ब्लाउज है मैं उसे स्टिच नहीं करा पाई हूँ, तो मुझे जुगाड़ करना पड़ेगा और मैं देखती हूँ इस ब्लाउज के साथ ये साड़ी कैसी लगती है। फ्रेंड्स, एक और बात जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की थी, मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग हो गई थी बैंगलोर, और इतनी जल्दबाजी में मैं, आप सबको पता है शिफ्टिंग में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इन सब जल्दबाजी के चक्कर में मैं अपनी ब्लाउज जो है उसे स्टिच नहीं करा पाई। कोई बात नहीं, इस बार जुगाड़ कर लेंगे और जो मेरे पास ब्लाउज पहले से है, मेरे पास पहले से अवेलेबल है, वही मैं पहनूंगी। फटाफट से रेडी हो जाते हैं और मैं जा रही हूँ मेकअप। आप मेरी स्किन देख सकते हो, मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया है। मैं जब नहा के आई थी तो मैंने बस एक टोनर अप्लाई किया था, इसके सिवा कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ है। तो अभी बहुत ही प्यारा सा मेकअप करने जा रही हूँ, आई होप कि बहुत अच्छा सा मेकअप हो जाए। तो चलिए देखते हैं फटाफट से। मेरे एक हाथ में मेहंदी देख रहे होगे, क्योंकि मैं अपने से दोनों हाथ में मेहंदी नहीं लगा सकती, इसलिए एक हैंड आप देख रहे हैं मेरा।